हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम झा भानसभात में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये तो आप सबको पता होगा कि बालों में ऑयलिंग करने से बालों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं और काले भी होते हैं। लेकिन हर कोई रिलेट कर पाएगा कि आजकल ऑयल कोई भी नहीं लगाता है, या फिर बहुत लोग महीना या फिर दो महीनों में एक बार लगाते होंगे, और उनमें से मैं भी एक हूँ। आपके बाल घने, लंबे, काले, ये सब तो हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बालों के लिए ज़रूरी है कि बालों का हेल्दी होना। बाल आपके हेल्दी रहेंगे तभी जाके अगर आप उसमें कुछ रेमेडीज़ लगाते भी हो तो वो काम करना शुरू करेगा। लेकिन जब बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और उसमें बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है और महीनों महीनों तक आप ऑयल नहीं लगाते हो बालों में, तो बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और वो फिर टूटने लगते हैं। और पूछिए मत, इतना बाल झड़ता है और इससे आपका हेड पेन भी होने लगता है। कभी कभी तो बालों में आप देखोगे कि अंदर स्किन जैसे निकलने लगता है, और ये सब प्रॉब्लम आते हैं। और बहुत लोगों को आता होगा डैंड्रफ होने के कारण बालों में जू हो जाता है, ये तो एक अलग ही समस्या हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। अगर आप बालों में सिर्फ ऑयलिंग नहीं करते हो तो इतने सारे प्रॉब्लम होता है। तो मेरे भी बाल कुछ इस तरह के ही हो गए थे। मैं जितने भी बार बालों को कंघी करती तो बहुत ज़्यादा बाल झड़ते थे, और ये एक अलग ही टेंशन हो जाता है। बहुत बार तो बहुत सारी बीमारियों के कारण भी बाल झड़ते हैं। तो मैं आपसे जो भी वीडियो में आज शेयर करूँगी या फिर आने वाले वीडियोज़ में, तो वो सभी मैंने ट्राई किया है खुद पर, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर उसका नतीजा कुछ नहीं आता है तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। ज़्यादा से ज़्यादा वही वीडियो मैं शेयर करूँगी जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है। तो आज मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर कर रही हूँ हेयर ऑयल, जो कि आपको अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए वीक में 2 से 3 बार ज़रूर लगाना चाहिए। बालों में ऑयल लगाने का भी एक प्रोसेस होता है, तो चलिए देखते हैं कि ये ऑयल किस तरह से हम बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। बालों के लिए सबसे बेस्ट होता है नारियल का तेल, और ये सभी के घरों में होता ही है। तो एक कटोरी में यहाँ पर हम 6 चम्मच नारियल का तेल लेंगे। यहाँ पर मैं 2 जन के लिए बना रही हूँ, मैं और अपने भाई के लिए, तो इसके लिए मैंने 6 चम्मच लिया है। अगर आप अकेले के लिए बना रहे हो और बालों की ग्रोथ के हिसाब से आप इसमें तेल कम ज़्यादा ले सकते हैं। नारियल तेल को हमें यहाँ पर अकेले नहीं लेना है, इसमें आप दूसरी चीज़ मिलाएंगे, वो है कैस्टर ऑयल। इसे अरंडी का तेल भी कहा जाता है। कैस्टर ऑयल आपको आसानी से किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। जो मैंने लिया है वो 100 ml का है और ये 55 rupees का है। और ये जो तेल है वो थोड़ा सा थिक होता है। इस तेल को आप डायरेक्ट अपने स्कैल्प पर ना लगाएं। यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच कैस्टर ऑयल ले रही हूँ। तो 6 चम्मच हमने लिया था नारियल तेल, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच कैस्टर ऑयल। दोनों तेल को अच्छी तरह से मिला लेना है। तो कैस्टर ऑयल को हमेशा आप कोई भी तेल के साथ ही लगाएं, मिला करके इसे डायरेक्ट अप्लाई ना करें बालों पर। अब तीसरी चीज़ जो है वो है विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल हमारे बालों के लिए और हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदा होता है इससे। यहाँ पर मैं 1 कैप्सूल ले रही हूँ। विटामिन ई का कैप्सूल बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, ग्रीन कलर में भी आता है, येलो कलर में भी कैप्सूल आते हैं। तो ये जो ग्रीन वाला कैप्सूल है वो इजीली मिल जाता है मेडिकल शॉप में। विटामिन ई का ऑयल भी मार्केट में मिल जाता है, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 1 कैप्सूल को मैंने सुई से पिन कर दिया है, और 1 कैप्सूल में 3 से 4 बूंद रहता है। तो ये देखिए, ये भी कितना गाढ़ा रहता है, लेकिन ये हमारे फेस के लिए और बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है, और ये जो भी 3 चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया है वो बहुत ही हेल्दी है, बहुत पोषक तत्वों से भरपूर है। मैंने इस पर थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, तभी मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ इस ऑयल को। डिटेल में आप सर्च करना चाहते हो तो इस बारे में सर्च कर सकते हैं। अब ऑयल को हमें ऐसे ही नहीं लगाना है। कभी भी आप कोई भी तेल अगर लगाते हो तो उसे हल्का गुनगुना कर ले, फिर उसे अपने बालों पर अप्लाई करें। और अभी ठंडी बरसात का मौसम है, तो इस मौसम में तो ज़रूर तेल को गुनगुना करके ही लगाए। तो मैंने इसके लिए यहाँ पर एक सस्पिन में थोड़ा सा पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। पानी यहाँ पे देखिए बॉईल हो गया है। अब हम इसमें तेल की बाटी को रख देंगे और उसे थोड़ी देर तक हमें गर्म कर लेना है। जब तेल हल्का सा गर्म होने लगे फिर हम इसे निकाल लेंगे, और फिर हमें उस तेल को अपने बालों पर अप्लाई करना है।
जब हम हल्के गुनगुने तेल से अपने सिर का मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और इससे आपके बालों का हेयर ग्रोथ बहुत बढ़ जाता है। तो ये तेल हमारा बिल्कुल रेडी है बालों में लगाने के लिए। इसे आप कॉटन से भी लगा सकते हो। तेल में कॉटन को डिप कीजिए और फिर अपने बालों के स्कैल्प पर लगाइए, या फिर आप इसे अपने फिंगर टिप से भी लगा सकते हैं। तो बालों में हमें किस तरह से लगाना है इस तेल को और उसका मसाज किस तरह से करना है, वो मैं थोड़ा सा छोटा क्लिप आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने बालों के स्कैल्प पर पहले तेल लगा लिया है और फिर हम बालों का हल्के हाथों से मसाज करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर से मसाज नहीं करना है वरना बाल हमारे टूटने लगते हैं। तो आप हल्के हाथों से मसाज कीजिए और मसाज करने के बाद इसे हमें कम से कम 2 से 3 घंटा रखना है और फिर आप अपने बाल को वॉश कर सकते हैं कोई भी शैम्पू से। रात भर रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसे 2-3 घंटे रख करके फिर आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आपको तेल अप्लाई करने से रिज़ल्ट तुरंत देखने को मिलेगा एक ही वॉश में, लेकिन हाँ, जिनका बाल बहुत ज़्यादा डैमेज है, बहुत ज़्यादा जिनके बालों में डैंड्रफ है, उन्हें कम से कम 2 वॉश में रिज़ल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। और जिनका बाल नॉर्मल है, डैमेज नहीं है उतना, उन्हें ज़रूर फ़ायदा एक ही वॉश में देखने को मिलेगा। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हर्बल तेल है, आयुर्वेदिक है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसे कोई भी लगा सकता है। तो आपका भी अगर बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है तो इसे इग्नोर मत कीजिए, वरना आगे चलकर और प्रॉब्लम हो जाती है। वीक में इस ऑयल को आप कम से कम 2 बार ज़रूर लगाएं और आपको 100% रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने इसे खुद ट्राई किया है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखना है मेरे चैनल पर तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। धन्यवाद।